अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडानिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउ वी कैन ऐड डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जी 3x के है प्लस 9x माइनस 2। दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास 4x के है प्लस 7x माइनस 9। अब मैं कहता हूं जी इन दोनों पॉलिनोमियल्स को प्लस करें। अब इनको प्लस करने से पहले या माइनस करने से पहले एक बात को क्लियर जहन में रख लेना है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इनको हम जब प्लस या माइनस करते हैं तो इनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। वेरिएबल्स प्लस माइनस नहीं होते, जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशेंट्स होते हैं या कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन में मौजूद होते हैं वो सिर्फ प्लस माइनस होते हैं, क्योंकि वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। किसी भी वेरिएबल जो है उसको हम प्लस या माइनस नहीं करते, उस वैल्यू को चेंज करते हैं। जो प्लस या माइनस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं सिर्फ वो प्लस या माइनस होते हैं। तो देखते हैं जी हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। हम इसको ऐड कर सकते हैं दो मेथड से। एक तरीका कार ये है कि आप 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 पहला पॉलिनोमियल लिख लिया, ऐड करके लिख लें जी सारी की सारी वैल्यूज, क्योंकि जब ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन है, और दूसरा पॉलिनोमियल लिख लें ऐसे आप। अब ब्रैकेट मैंने यहां पे इसलिए लगाई है कि ये डिफरेंशिएट हो जाए कि इससे पहले पहला पॉलिनोमियल जब प्लस कर रहे हैं दूसरा पॉलिनोमियल, इसको आप ओपन कर लें ब्रैकेट को। प्लस है तो सारे साइन अंदर वाले वैसे रहेंगे, क्योंकि प्लस 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 4x स्क्वायर प्लस 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 वैसे ही 7x और प्लस माइनस माइनस का 9। अब क्या करना है जी, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने एक साथ कर लेना है। लाइक टर्म्स में सबसे पहले है 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल्स हैं। 3x स्क्वायर को प्लस कर लिया 4x स्क्वायर में, इसके बाद 9x और 7x हैं जी, प्लस का 9x प्लस का 7x लास्ट 2 और 9 माइनस का 2 माइनस का 9। ठीक है जी, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि ये सेम वेरिएबल्स के साथ सेम पावर्स है, लाइक टर्म्स है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को, क्योंकि जो सेम वेरिएबल्स के साथ हैं उनको लाइक टर्म्स कर कह के हमने उनको एक साथ लिख लिया। अब मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट्स प्लस माइनस होते हैं, वो वेरिएबल्स नहीं प्लस माइनस होते। इसका कोफिशिएंट है प्लस 3 और इसका कोफिशिएंट है प्लस 4। प्लस के 3 में प्लस करेंगे 4 तो क्या आएगा, 4 और 3 7, साइन प्लस का ही आएगा, इसलिए लगाए ना लगाए कोई बात नहीं। 7x स्क्वायर ये साइन प्लस का यहां, अब ये साइन आप पहले लगाएं या ना, ये साइन जो है यहां पे अब आपने बाद में लगाना है, पहले इसको करना है सॉल्व। क्योंकि अगर तो अब ये दोनों प्लस 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 के हैं, साइन लगा दिया प्लस का, अगर डिफरेंट होते तो साइन जो था वो हमारा बड़ी वैल्यू का लगना था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब यहां पे देखते हैं ये प्लस का 9 और प्लस का 7, प्लस 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 आ गया, 9 में 7 प्लस किए 16, 9 में 7 प्लस करेंगे तो 16 वेरिएबल एज इट इज आ गया। माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, एडिशन में बताया था कि जो साइन होता है वो माइनस का लगता है, माइनस माइनस प्लस, एक्ट हम प्लस करेंगे साइन माइनस का लगेगा, माइनस 2 और माइनस 9 माइनस का 11। ये है जी हमारा आंसर। एक मेथड हमारा ये है, दूसरा मेथड ये है जी
ऊपर रख रहे हैं पहला पॉलिनोमियल 3x² प्लस का 9x माइनस का 2। अब नीचे जो वैल्यू है हमने सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखना है। स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट पावर से, 4x² x² के नीचे सेम पावर वाला वेरिएबल, उसके बाद सेम वेरिएबल उसके बाद सेम वेरिएबल वाली वैल्यू सेम वेरिएबल के नीचे और कांस्टेंट एज इट इज कांस्टेंट के नीचे। अब हम कर रहे हैं ऐड, प्लस कर रहे हैं तो कोफिशंट ही प्लस होंगे, 4 में 3 प्लस की करते हैं तो 7x² प्लस प्लस फिर प्लस आ गया, 9 में 7 प्लस किए तो आ गया 16x, ठीक है जी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, 9 और 2 11। ये दो मेथड हैं जिनके साथ हम पॉलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जी सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं इन ही पॉलिनोमियल्स को मैं माइनस कर देता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है जी, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को माइनस करना है, फिर वही तरीका कार है जी। इधर लिखते हैं जी 3x² प्लस 9x माइनस 2। अब माइनस कर रहे हैं सेकंड पॉलिनोमियल को माइनस का साइन, अब माइनस कर रहे हैं सेकंड पॉलिनोमियल को माइनस का साइन, ब्रैकेट में 4x² प्लस का 7x और माइनस का 9, ठीक है जी। अब प्लस में एज इट इज वैल्यूज आ गई थी, लिखते हैं जी पहला पॉलिनोमियल, लेकिन माइनस में क्या होगा, अब यहां पे इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, जब माइनस है तो इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स के साथ साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहां पे प्लस था माइनस आ जाएगा 4x², ये प्लस है इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 7x, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 9। ये किस तरीके से, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड में हमने देखा कि जब मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट साइंस तो क्या होता है, माइनस आता है, जब सेम साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। अब ब्रैकेट है तो बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो अंदर वाले साइंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसकी इजीली एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बता दी है कि ये वाले साइन जो है ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम लाइक टर्म्स को सेम साथ कर लेंगे, 3x² माइनस 4x² प्लस का 9x माइनस का 7x माइनस का 2 एंड प्लस का 9। इन दोनों में अब इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है जी। अब देखें इनके साथ 3 के साथ प्लस है, 4 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, जब प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, माइनस में प्लस माइनस माइनस आ रहा है ना, तो जब ऐड अप हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 4 में से 3 हमने कर देने हैं माइनस, तो यहां पे 1x² रह गया। जब माइनस आ रहा है सॉल्व हमने क्या करना है, माइनस, लेकिन साइन मैंने आपको बताया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब हो रही हो तो आपने उनको साइन जो है ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने लगाना है। यहां पे बड़ी वैल्यू 4 है, 4 का साइन माइनस लग गया, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 7 और 9 इनको हमने माइनस किया तो 2x आ गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 9 में से 2 माइनस किए 7। ये है जी एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है जी, जैसे पहले हमने ऐड किया था, ऊपर रख लें पहला पॉलिनोमियल, नीचे रख लें दूसरा पॉलिनोमियल। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये यहां पे प्लस का था, ये वाला साइन यहां पे
ये वाला साइन यहां पे प्लस है, जब हम माइनस करेंगे तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था ये माइनस कर दिया हमने, ये प्लस था ये माइनस कर दिया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इन साइंस को नहीं हमने देखना, जो साइन चेंज किए हुए हैं वो साइन देखने हैं। यहां पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस 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 किया तो साइन बड़ी वैल्यू का, और माइनस करके आंसर आ गया यहाँ वन एक्स के। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, नाइन में से सेवन माइनस। अब देखें प्लस माइनस आ माइनस रहा है, हमने जो ऑपरेशन सॉल्व करना है वो माइनस का करना है, तो नाइन में से सेवन माइनस किए टू एक्स, और साइन हमारा कौन सा लग गया बड़ी वैल्यू का। माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू नाइन है, इसका साइन प्लस है तो ये लगेगा, ये वाला साइन नहीं लगेगा। फिर बता रहा हूं कि जो माइनस करने से साइन माइनस वाले चेंज हो जाएंगे प्लस में, और प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे, वही हमने सॉल्व करते हुए साइंस को मद्देनजर रखना है। प्लस माइनस माइनस साइन जो है बड़ी वैल्यू का लग गया, नाइन में से टू माइनस किए सेवन। तो देखें जी हमारा आंसर जो है वो सेम है, माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस सेवन प्लस सेवन, ठीक है जी। इसमें हमने देखा कि हम दो जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको प्लस और माइनस, ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।